क्लास थर्ड। आई होप चैप्टर नंबर थर्ड योर वर्क इज़ कंप्लीटेड। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर एडिशन ऑफ क्वालिटीज। सो फर्स्टली राइट द डेट इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी एंड इस चैप्टर नंबर इज लेसन LESSON लेसन नंबर इज फोर। इट्स दिस इज द चैप्टर अबाउट एडजेक्टिव्स। व्हाट एडजेक्टिव्स? आई विल टेल यू व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन ऑफ क्वालिटीज। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब और विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। सो वट एवर द वर्ड्स आर देयर विच आर शोइंग द क्वालिटी लाइक माई स्केच कलर ब्लू स्केच पेन। सो ब्लू इज द क्वालिटी ऑफ दिस स्केच पेन। सो ब्लू इज अ एडजेक्टिव वर्ड। सी दिस बुक। दिस बुक इज कलरफुल। कलरफुल बुक। सो द क्वालिटी ऑफ दिस बुक इज कलरफुल। सो वॉट इज द एडजेक्टिव वर्ड? कलरफुल। कलरफुल बुक। लुक एट दिस कॉपी। कॉपी इज वेरी थिक। सो दिस कॉपी इज अ थिक नोटबुक। वॉट? थिक नोटबुक। सो एडजेक्टिव और क्वालिटी वर्ड इज थिक। दिस इज अ सीजर और वी कैन से दिस शार्प सीजर। वॉट? शार्प। सो वॉट इज द क्वालिटी वर्ड और एडजेक्टिव वर्ड ऑफ दिस सीजर इज शार्प। सो इफ आई एम सेइंग दैट आई एम अ टॉल गर्ल, सो टॉल इज माई क्वालिटी एंड टॉल इज अ एडजेक्टिव वर्ड। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड यू एंड चेक ऑल द क्वालिटी वर्ड्स और दीज क्वालिटी वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सो फर्स्टली वी विल राइट डेफिनेशन। द डेफिनेशन इन अम्ब्रेला शेप। सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ नाउन्स। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी वर्ड्स। वॉट? क्वालिटी वर्ड्स। सो एग्जाम्पल राइट सम एग्जाम्पल। देयर इज अ टोमेटो। सो वी कैन राइट इट रेड। इफ इट इज रिटन रेड टोमेटो सो रेड दिस अंडरलाइन वर्ड इज क्वालिटी वर्ड और एडजेक्टिव। देयर इज अ स्टोन हार्ड स्टोन इज अ नाउन। ओके एंड हार्ड इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ द स्टोन। सो दिस हार्ड इज कॉल्ड क्वालिटी वर्ड और एडजेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम 38 पेज नंबर यू विल डू इन योर नोटबुक इन योर कॉपी। व्हाट इज द एक्सरसाइज नेम? माई क्वालिटी वर्ड्स। ओके सो हेयर यू विल राइट 5 क्वालिटी वर्ड्स विच आर योर एडजेक्टिव्स। मीन्स द वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू योर क्वालिटी वर्ड्स यू विल राइट हेयर। स्मार्ट लेजी। इफ यू आर लेजी देन यू कैन राइट अबाउट लेजीनेस। लेजी
tall, if you are tall or short, okay, you can write your quality word. Fat, thin, are you a fat or a thin boy or girl or a medium, or you have a dark complexion or frail or whitish, are you a serious in nature or jolly in nature or naughty in nature. So you can write here, or any other adjective words also you can choose according to your personality. So after writing the definition which I have given in a copy, you will do this work in your copy. My quality words, you can choose more than 5 also. Next work is your fill in the blanks, do in copy. Where copy, this you will not write in your copy, this is only for your information. This information is all about you, so you will fill this yourself. I work for, how much are you work, 10 hours, 8 hours, how much are you work, you will write here. I take rest, how much you take rest, how much, 6 hours, 8 hours, 9 hours, so you will write here. I am a hard working boy or girl or lazy boy or girl, so you will write here. And I know everyone will write hard working. So do complete your work. Chapter number 4, firstly name of the chapter, definition, then my quality words, and then fill in the blanks. Okay, thank you students.